हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास सेवन की एक्सरसाइज 11.2। 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बाकी के क्वेश्चन की अलग वीडियो बनी हुई है जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। सबसे पहले इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें जो इसमें फॉर्मूला यूज होने हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया, जैसे ये फिगर में ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीन साइड्स होती है, जैसे मान लो ए बी सी, तो ये वाला रहता है ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, जैसे 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट। जैसे ये ट्राइंगल है, एबीसी एक ट्राइंगल है, इसका ये वाला पार्ट होता है जो नीचे वाला पार्ट है, जैसे यहाँ पर बीसी है, ये वाला क्या है, बेस है, ये वाला पार्ट है बेस, और ये वाला पार्ट जो जहां पर 90 डिग्री का जैसे एंगल बनता है, पूरी स्ट्रेट लाइन है, वो वाला क्या है, ये वाली होती है हाइट। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर देते हैं तो एरिया ट्राइंगल का एरिया निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, जैसे ये वाला बना है ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, जिसमें दो ऑपोजिट, जिसमें पेयर ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल होगी, ऑपोजिट साइड जो होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है, पैरेलल मतलब बिल्कुल समानांतर होती है। ए बी साइड डी सी के क्या है, पैरेलल है। इसी तरह सी बी साइड डी ए के पैरेलल है, दोनों ऑपोजिट साइड, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है और ये वाली, जैसे मान लो ये वाली साइड क्या है, इस साइड के पैरेलल और इक्वल है, पैरलर भी है और इक्वल भी है, लेंथ भी इनकी इक्वल होती है। ये वाली साइड क्या है, इस साइड के पैरलर है, इनकी भी साइड पैरलर भी है और इक्वल भी है। ठीक है, इसी तरह पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऑपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल ए एंगल सी के इक्वल होता है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होता है। ये तो हो गया पैरेललोग्राम होता क्या है। ठीक है, इसमें हमने पता क्या करना है, इसमें हमें बताना नहीं है, हमने सिर्फ एरिया पता करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है बेस मल्टीप्लाई में हाइट। इसका फॉर्मूला क्या है, बेस मल्टीप्लाई में, बेस क्या होता है, जो नीचे हमें जो भी चीज गिवन है, जैसे मान लो यहां पर ये वाला क्या है, ये बेस है, मान लो ये वाली 5 सेंटीमीटर, ये क्या है बेस, और ये क्या है, ये जो जहां से जो डॉटेड लाइन है, ये वाली क्या है, हाइट है, ये वाली है हाइट। ठीक है, ये मान लो 3 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई में हाइट, तो बेस को मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, तो यहां पर हमारे पास आ गया 3। अगर सेंटीमीटर में दिया गया तो सेंटीमीटर, अगर मीटर में दिया गया तो हम सेंटीमीटर मीटर का स्क्वायर ले देंगे, और एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसके अलावा कई बार हमें फिगर दे दी जाती है, इसमें देखो ये एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, इसमें एक डायगनल अगर हमने ड्रॉ कर दी, एक डायगनल ए सी ने इसको दो ट्राइंगल में बांट दिया है, ये दोनों ट्राइंगल बन चुके, ए बी सी ये एक ट्राइंगल बन चुका है, ठीक है, और एक ये वाला ट्राइंगल बन चुका है, ए डी सी ये वाला ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बन चुके हैं। अभी इसका एरिया कैसे फाइंड करना है, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल है ना पूरा, उसका हमने 1/2 कर देना, तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ, यही फॉर्मूला होता है ना, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ रेक्टेंगल का, तो वो आ गया क्योंकि ये रेक्टेंगल है, उसका हमने दो, ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, उसको हमने हाफ कर दिया क्योंकि दो पार्ट में था, तो ऐसे हमने इसका जो एरिया फाइंड करना है। इसी तरह ये वाला स्केयर है, स्केयर का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला एरिया का फॉर्मूला क्या था, साइड का स्केयर, यही था ना, एरिया का, एरिया ऑफ स्केयर क्या था, साइड का स्केयर। ठीक है, एरिया ऑफ स्केयर इक्वल टू साइड का स्केयर। तो अभी यहां पर हमारे पास ए बी सी डी ये क्या है, एक स्केयर है, इस स्केयर को अगर हमने ये दो डायगनल बना दिया तो चार हमारे पास क्या आते हैं, 1, 2, 3, 4 हमारे पास रेक्टेंगल ट्राइंगल आ जाते हैं। तो इनका अगर हमने एरिया पता करना है तो क्या होगा, ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 4 में, तो 1/4 मल्टीप्लाई में स्केयर का जो होता है, स्केयर का जो एरिया होता है वो होता है साइड का स्केयर, तो साइड का स्केयर। तो हमें पता है कि जो भी इसकी साइड होती है वो सेम होती है, मान लो ये वाली है 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 होगी, 4, ठीक है, सभी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि स्केयर में सभी साइड सेम होती है, तो 1/4 मल्टीप्लाई में 4 का स्केयर। ठीक है, तो 1/4 मल्टीप्लाई 4 4 16, तो 1 1 इसको काट सकते हैं, 1 4 1 4 4 4
16, तो 4 सेंटीमीटर, अगर ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वेयर, 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ चुका है इसका। तो यही जो थे हमने इस पूरे चैप्टर में, इस पूरी एक्सरसाइज में यूज करनी है फॉर्मूले, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ज्यादा आएगा ये वाला, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एस्टिमेट द एरिया ऑफ फॉलोइंग फिगर्स बाय काउंटिंग यूनिट स्केयर, ठीक है। एस्टिमेट लगाना है क्योंकि पूरा एग्जैक्ट नहीं आएगा इसमें एरिया, एस्टिमेट है फिगर का, इस जो भी फिगर्स दी गई है तो इसका हमने एस्टिमेट करना है काउंटिंग यूनिट स्केयर। ये यूनिट स्केयर है, जो स्केयर बने हुए ना उसको हमने काउंट करना है, ठीक है। अभी इसमें क्या करना है, ये इसमें इसका क्या होता है कि इसमें हमने देखो ये वाला स्केयर है, अगर तो ये वाला पूरा इस जो भी हमें बाहर फिगर ड्रॉ की गई इसमें पूरा ऐसे आता है तो हम इसको 1 काउंट करते हैं, अगर ये ऐसे बिल्कुल हाफ में से गुजरता है तो ये हाफ 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 हो जाएगा, तो इसको हम जैसे 2 हाफ मिल गए तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसके अलावा अगर हमारे पास ये स्केयर पे ये लाइन ऐसे जा रही है, मतलब हाफ से ज्यादा है, अगर ये लाइन हाफ से ज्यादा जा रही है तो भी ये क्या होगी काउंट, 1 ही काउंट होगा, ठीक है। ये वाला क्या होगा, 1/2 मतलब हाफ काउंट होगा। ये वाला क्या होगा, अगर हमारे पास जैसे ये लाइन जा रही है जो हाफ को ज्यादा कवर, मतलब हाफ को ज्यादा यहाँ पर काट कर जा रही है तो वो 1 काउंट होगा। अगर ये ऐसे हमारे पास स्केयर है, अगर इससे लाइन ऐसे गुजर के जा रही है, मतलब हमारे पास से जो फिगर में इतना पार्ट ही आ रहा है तो इतना पार्ट नहीं है तो इसको हम कुछ भी काउंट नहीं करते, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करें, काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें पूरा पता है कि ये वाला स्केयर एक तरह ना रेक्टेंगल बनता है, तो यहाँ पर हम करेंगे इसको, यहाँ पर हम लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल बना लेते हैं, तो इसको काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये वाला है हमारे पास 5, तो यहाँ पर काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये हमारे पास 17 है। तो 17 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 5 85, तो यहाँ ये पूरे बॉक्सेस हमारे पास 85 है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम जो काउंट करेंगे वो अंदर वाली करेंगे, तो यहाँ पर हम देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये वाला थोड़ा सा हाफ से ज्यादा है तो इसको भी हम ऐसे ही काउंट कर लेंगे, ठीक है। 11 ये हाफ से ज्यादा है तो 1 काउंट होगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये वाला भी हाफ से ज्यादा है तो इसको भी हम पूरा काउंट करेंगे, 20 इसको हम छोड़ देते हैं, ये वाला हाफ है, ठीक है, यहाँ पर हमने निशानी लगा लेते हैं कि ये वाला हम बाद में काउंट करेंगे, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये वाला भी हाफ से ज्यादा है, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ये वाला भी हाफ से ज्यादा है तो 34, 35, 36, 37, 38, ये वाला हाफ है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 39, 40, ये हाफ से ज्यादा है तो 41, ये वाला भी हाफ से ज्यादा है तो 42, ये वाला हाफ से कम है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। अभी हमारे पास ये वाले पूरे स्केयर आते हैं 85, ये वाले पूरे अंदर ये हमने पूरे पूरे काउंट किए, ये 42 है और दो हमारे पास हाफ हाफ है तो दोनों हाफ हाफ को अगर हम प्लस करते हैं तो ये 1 बन जाता है, तो ये 1 आ गया। अभी इनको प्लस करते हैं, 5 और 2 7 और 8, 8 और 4, 8 और 4 12, ये हमारे पास बन जाते हैं 128। तो हमारा जो आंसर है इसका एरिया क्या है, यहाँ पर आप लिख देती हूँ, एरिया इक्वल टू 128, यहाँ पर हमें यूनिट्स के, तो हमारा जो आंसर इसका आता है 128 स्क्वायर यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ये इसका एस्टिमेट आंसर है, ये पूरा एग्जैक्ट सही नहीं कह सकते हम, ठीक है। और आपकी बुक में आंसर 135 है, आपके सामने ही मैंने काउंट किया है, कोई भी इसमें से हमने छोड़ा नहीं है, नहीं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर देखो 1 मार्च से छूट गया है, ये वाला हाफ से हाफ ही है, ये वाला भी हाफ हो गया, ये वाला भी हाफ हो गया, तो कितने हाफ हो गए, 1, 2, 3, 4, 4 हाफ है तो 2 काउंट होने थे, यहाँ पर भी हम 2 लिख लेते हैं और 129, तो यहाँ पर हमारा आंसर भी क्या आएगा, 129 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली जो हमारा आंसर है ऐसे है। नेक्स्ट जो फिगर है इसका भी हमने ऐसे ही काउंट करना है, तो यहाँ पर देखो ये वाला रेक्टेंगल बनता है तो इसको ऐसे कवर कर देते हैं, यहाँ तक भी रेक्टेंगल बनता है इसको भी ऐसे कवर कर देते हैं, अभी काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4,
यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 8 4 जा 32, ठीक है। यहाँ पर 1 काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 44, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 32, 44, एंड ये वाले सभी काउंट कर लेते हैं जो फुल है, जहाँ फुल से ज्यादा है, ठीक है, फुल जो हाफ से ज्यादा है तो उसको हम 1 ही काउंट करें। ये वाला हमारे पास हाफ है तो इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये वाला हाफ है इसको भी छोड़ देते हैं, यहाँ पर निशानी लगा लेते हैं, ठीक है। 9, ये वाला 10, सॉरी ये वाला हाफ से ज्यादा है तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये वाला हाफ है तो यहाँ पर भी हाफ कर लेते हैं, 16, ये भी हाफ है तो यहाँ ये हाफ से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। 17, 18, 19, 20, 21, ये वाला हाफ से कम है तो इसको छोड़ देते हैं, ये वाला हाफ है तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं। 22, 23, ये दोनों हाफ हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लेते हैं। एक फुल हमारे पास इसमें 23 है, ठीक है, और हाफ कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हाफ है, तो 6 हाफ है मतलब 2 को मिलाकर 1 बनता है, 6 का को 2 से डिवाइड करें तो 3 आ जाएगी, 3 हमारे पास हाफ थी, ठीक है, हाफ के फुल बन गए। और यहाँ पर काउंट करते हैं, फिर 102, तो इसका एरिया क्या है, एरिया इक्वल टू सेकेंड का हमारा आता है 102 स्क्वेयर यूनिट्स, ये वाला इस सेकेंड फिगर का आंसर है, ठीक है। तो आपने ऐसे करके देख लेना है, क्या करना है, पहले पूरे जितने फुल होते हैं, जो फुल स्क्वेयर होते हैं उसको काउंट कर लेना है, बाद में जो हाफ से ज्यादा होते हैं उसको भी 1 ही काउंट करना है, और जो हाफ से कम होते हैं उसको छोड़ देना है, हाफ हाफ जितने भी हाफ हाफ होते हैं उसको 2 2 हाफ को मिलाकर 1 बना लेना है। अभी हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन सेकंड है, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ, इसमें हमने देखो ये एक रेक्टेंगल दिया गया, उसको डायगनल ने 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया, उसमें एरिया पता करना है ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि ए बी सी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई में लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ, क्योंकि ये रेक्टेंगल का हमने यहाँ पर क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लिया, तो 1/2 मल्टीप्लाई में इस वाले ट्रायंगल की लेंथ क्या है, लेंथ है हमारे पास 15 मल्टीप्लाई में ब्रेथ है हमारे पास 8, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है, ये कट कट हो गए, तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 15 4 जा 60, 60 ये वाले सेंटीमीटर में थे तो सेंटीमीटर स्क्वेयर, एरिया का आंसर हमेशा स्क्वेयर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्राइंगल सी ओ डी, इसमें हमें क्या दिया गया, एक स्क्वेयर है, स्क्वेयर के 4 पार्ट हो चुके हैं, डायगनल 2 डायगनल ने इसको 4 ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया, तो इसमें हमने सिर्फ एक ट्राइंगल का एरिया पता करना है, सी ओ डी, तो सी तो ट्राइंगल कौन सा है, सी यहाँ पर ये वाली आएगी ओ, ठीक है, सी ओ, सी ओ डी इसका एरिया पता करना है, ठीक है, सी ओ डी इसका एरिया पता करना, तो एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इक्वल टू 1/4, क्योंकि स्क्वेयर को 4 पार्ट में डिवाइड किया तो 1/4 साइड का स्क्वेयर यहाँ पर आएगा, 1/4 मल्टीप्लाई में साइड क्या है, इसकी साइड है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वेयर 1/4 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 6, 6 को 2 टाइम लिखना है, ठीक है, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/4 मल्टीप्लाई में 6 6 36, तो 4 की टेबल में 9 टाइम पर आता है 96, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वेयर, इसका एरिया क्या आता है, 9 सेंटीमीटर स्क्वेयर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का ए वन फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम दिया गया उसका हमने एरिया पता करना है, तो हमने पहले ही बता दिया सारा कुछ, पैरेललोग्राम कैसे कहते हैं, तो उसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट लेते हैं, एरिया ऑफ फॉलोइंग पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो इसका पता करना है, तो यहाँ पर क्या है फॉर्मूला, इसका बेस मल्टीप्लाई में हाइट, इसका बेस क्या है, बेस है ये वाला जो नीचे होता है पार्ट, वो वाला बेस होता है, तो बेस है 9
और हाइट कितनी है? 6 9 6 54, 54 ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सीन, यहाँ पर भी हमने पता करना एरिया, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है जो, इसका भी फॉर्मूला क्या है? बेस मल्टीप्लाई में हाइट। तो बेस इसमें क्या है? अभी ये ए बी, जरूरी नहीं है कि हर फिगर में जो नीचे पार्ट दिया गया वही बेस होता है। बेस होता है जिसमें 90 डिग्री का एंगल जिसमें बनता है, ठीक है। यहाँ पर देखो 90 डिग्री का एंगल किसमें बनता है? बी ए साइड भी, ठीक है। तो ये वाला बेस है, ये वाली हाइट है, तो बेस कितना है? 6.5, 6.5 मल्टीप्लाई में, और हाइट कितनी है? 8.4। तो 6.5 और 8.4 को, 84 को आपने सिंपल 65 से मल्टीप्लाई करना पहले, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आता है 5460, ठीक है, ये आता है। अभी पॉइंट के बाद, यहाँ पर दोनों डेसिमल में थे तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट काउंट कर लो, पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद दो, ठीक है। मतलब एक डिजिट ये हो गया, एक ये, दो हो गए। तो यहाँ पर हमने पीछे से दो पॉइंट छोड़ देने हैं, 1 2, दो डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है। ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। इस दो पार्ट इसमें भी है, पैरेललोग्राम दिया गया, उसमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हमें देखो दो बार इन्होंने हाइट और बेस दिया गया। यहाँ पर भी हमें बेस दिया गया, इसका ए बी बेस की ये हाइट है, सॉरी ए बी, ये ए बी बेस है, ए बी बेस एक्स है, और इसकी हाइट है जो डी, और यहाँ पर हमें कोई भी नाम नहीं दिया, तो हम यहाँ पर एम लिख लेते हैं खुद से, ठीक है, एम। और यहाँ पर भी कोई नाम नहीं दिया गया, तो यहाँ पर हम इसका नेमिंग कर देते हैं एन, ठीक है। ए बी साइड की डी एम हाइट है, और डी ए साइड की एन बी, जब बी एन साइड है, ठीक है। तो देखो जब हम इसका एरिया पता करेंगे, जैसे मान लो इसका पूरा एक एरिया, जहां पर हमने बेस मल्टीप्लाई में हाइट करके एक का एरिया पता कर लिया, तो दूसरे अगर इस पर फॉर्मूला यूज करके हम, जैसे ये वाली बेस और इसको हाइट मानकर एक फॉर्मूले से हम एरिया फाइंड करेंगे, तो दूसरी का भी सेम फॉर्मूला सेम एरिया आएगा। जैसे एक से हम बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं, जो एरिया इसका आएगा सेम इसी का, इसको बेस और हाइट मानकर भी सेम ही एरिया आएगा। तो सेम एरिया होगा तो हम इनको, इन दोनों को इक्वल में रख लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? बेस मल्टीप्लाई में हाइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेस, दोनों साइड हम इधर भी एक एक ये वाला बेस, यहाँ पर एक्स की वैल्यू इधर है ना, तो ये बेस कहाँ है, कहाँ क्या कौन कौन सा है? ए बी बेस है, तो ए बी मल्टीप्लाई में हाइट इसकी क्या है? डी एम। तो डी एम इक्वल टू, इन दोनों को हम इक्वल में रख लेंगे, इन दोनों के एरिया के फॉर्मूले को, ठीक है। इसमें बेस कौन सा है? ये वाली साइड बेस है, तो 5 पॉइंट, सॉरी डी ए, क्या ए डी ले लेते हैं, ए डी मल्टीप्लाई में क्या है? बी एन, बी एन, ठीक है। तो ए बी क्या का बेस का कितनी वैल्यू है? एक्स, एक्स मल्टीप्लाई में डी एम, डी एम कितना है? 7, इक्वल टू ए डी कितनी है? 5.6, और इसकी हाइट कितनी है? 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स को एज इट इज रखेंगे, 5.6 मल्टीप्लाई में 9, ये 7 इधर मल्टीप्लाई में हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। हमें पता है जब भी इक्वल टू के साइड, इक्वल टू के बाद कोई भी डिजिट साइड चेंज करता है, तो उसके जो साइन है वो चेंज होता है, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड। ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। जहां पर 7 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके हो गया डिवाइड में। अभी जहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 56 में यहाँ पर एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो अपॉन में 10 लिख लेंगे, ठीक है ना। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट हटाने के लिए हमने मल्टीप्लाई में डिवाइड में 10 कर दिया, मल्टीप्लाई में 9, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 7 एज इट इज। 7 1 7, 7 के टेबल में 56 आता है 8 टाइम्स, और 7 1 7, 7 8 56, ठीक है। तो 56 8 9 होता है 70, सो 272 अपॉन में 10। अभी हमें इसका डेसिमल हटाना है, तो डेसिमल हटाना है तो कैसे डेसिमल हटाते हैं? जब भी नीचे 10 100 हो तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एक एक जीरो है, तो यहाँ पर एक पॉइंट छोड़कर हमने पॉइंट लगाना है, जैसे 72 के बीच में एक पॉइंट, एक डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया। तो एक्स की वैल्यू क्या है? 7.2, यहाँ पर सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे सेंटीमीटर आंसर। अभी आप देख लो, हमने इसको इन दोनों को इक्वल टू में क्यों रखा, क्योंकि अगर एक का एरिया पता करेंगे सेम एरिया होगा, क्योंकि एक ही पैरेललोग्राम की बात की जा रही है, तो एरिया उनका सेम होगा, इनका
कि यहाँ पर इस वैल्यू का एरिया निकालेंगे तो इस वैल्यू के इक्वल होगा, इसलिए हमने इनको पहले ही इक्वल में रख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज, जैसे हमने पीछे किया सेम वैसे ही करना है। पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब बेस मल्टीप्लाई में हाइट। यहाँ पर भी हमें दो चीजें दी गई है, दोनों को हमें एक दूसरे की इक्वल रख देंगे, ठीक है दोनों। यहाँ पर देखो यहाँ पर भी हमें नाम नहीं दिए गए, तो यहाँ पर हमें एस का नाम एम कर लेते हैं, इसका नाम एन लिख देते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर एक्स, यहाँ पर पहले हमें बेस में एक्स नहीं था, यहाँ पर है। अभी इन इस वैल्यू को हम आगे ले लेंगे, तो यहाँ पर बेस क्या है, डी ए, क्योंकि हमें ठीक है डी डी ए, डी ए की हाइट क्या है, बी एन मल्टीप्लाई में बी एन, ठीक है इक्वल टू ए बी बेस, तो हाइट क्या है बी एम डी एम, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर ये वाली वैल्यू, ठीक है डी ए, पहले डी ए कितनी है, तो डी ए आप डी ए चेक करो, डी ए डी ए कितनी है, डी ए यहाँ पर हमें दी गई नहीं, मगर सामने वाली वैल्यू हमें दी गई है, क्योंकि जहाँ पैरेललोग्राम में क्या होता है अपोजिट साइड एक दूसरे की इक्वल होती है, ये 9 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगी 9 सेंटीमीटर, तो डी ए है 9 सेंटीमीटर। बी एन कितना है, बी और एन है एक्स, इक्वल टू में ए बी कितना है 15, मल्टीप्लाई में डी एम कितना है, डी एम है 6 6, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक्स एक्स वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू इसको पहले क्यों लिखा है, ताकि हम इस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर देंगे, इसीलिए ठीक है। एक्स की वैल्यू एज इट इज 15 मल्टीप्लाई में 6, ये 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो ना 3 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 3 1 3, 3 3 2 6, 3 3 9, तो 3 के टेबल में 15 भी आता, 3 1 3, 3 5 15, अभी ये दोनों रहते हैं 5 2 10, तो 10 सेंटीमीटर एक्स की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। सब फिफ्थ क्वेश्चन है, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 28 एंड 45 सेंटीमीटर एंड द एल्टीट्यूड ऑन लॉन्गर साइड इज 18, फाइंड द पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कहते कैसे होता है वैसे, ऐसे ठीक है, पैरेललोग्राम है तो जैसे इसकी साइड एक दूसरे के सेम होती है, ठीक है। मान लो ये वाला पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड क्या होता है, जिसका सेम वर्टेक्स होता है, ठीक है। मान लो ये वाली साइड ले रहे हैं हम, एक ये वाली साइड है, ये वाला वर्टेक्स हो गया ना इसका ए, मान लो ये ए बी सी डी ये वाला है, तो ये यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ से शुरू करते हैं, तो उन्होंने कहा है एक साइड है हमारे पास 28, ठीक है ये वाला मान लो 28 है और एक है 45, ठीक है 45 साइड ले ली, एक 28 ले ली, ठीक है। और एल्टीट्यूड होता है हाइट, तो यहाँ पर ये वाली हाइट होती है, ठीक है ना, हाइट कितनी है, हाइट द एल्टीट्यूड ऑन लॉन्गर साइड इज, ठीक है एल्टीट्यूड जो हाइट है वो लॉन्गर साइड पे है, मतलब 45, जहां अगर हम 45 इधर लेते तो यहाँ पर हमने ड्रॉ करना था 45, जो भी लॉन्गर साइड है उसके ऊपर हमने एल्टीट्यूड बनाना था, हाइट बनानी थी, तो लॉन्गर साइड ये 45 थी, इसके ऊपर हमने ये वाला बना दिया। अभी इसका आपने पता करना है एरिया, ये वाली कितनी है, ये वाली है 18 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पर एरिया क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बी बेस मल्टीप्लाई में हाइट, तो बेस कितना है 45, 45 मल्टीप्लाई में हाइट कितनी है 18, 45 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 810, 810 है यहाँ पर, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है यहाँ पर आ गया, क्योंकि उन्होंने कहा है लॉन्गर साइड के ऊपर, लॉन्गर साइड ही बेस बनना था, उसी के ऊपर अगर एटीट्यूड बनाता है, जो 828 की वैसे भी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम गिवन इन फिगर, ठीक है एक फिगर है जिसमें हमें दिया गया ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया, डी एन डी 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 और एन, ठीक है डी एन दोनों एल्टीट्यूड ऑन साइड ए बी एंड सी बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है बताया गया कि डी एन और डी एम क्या है, दोनों एल्टीट्यूड मतलब हाइट है। इफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज, यहाँ पर हमें एरिया इसका खुद पहले ही बता दिया गया 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर ए बी कितनी साइड पर आएगी, ए बी ये वाली ये साइड है हमारे पास 35 सेंटीमीटर और सी बी है हमारे पास, सी और बी ये वाली साइड है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। हमें डी एन और डी एम पता करनी है, मतलब ये दोनों हाइट पता करनी है। अभी हमें पता है अगर हमें ये वाला ये बेस मल्टीप्लाई में हाइट, ठीक है ये बेस है उसके ऊपर ये वाला बेस मल्टीप्लाई में हाइट इसका एरिया और बेस मल्टीप्लाई में हाइट इसका एरिया एक दूसरे के इक्वल होगा, तो हमें पहले ही बता दिया कि एरिया क्या है 1225 जो एरिया है, तो हमें यहाँ पर लिख देंगे पहले पहले ये वाला पता करते हैं, ठीक है डी एन की वैल्यू पता करते हैं, तो एरिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई में हाइट, तो यहाँ पर हम इसका एरिया पता करते हैं, तो यहाँ पर देखो ए बी बेस इसमें क्या है ए बी,
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पहले एरिया हमें कितना दिया गया है, ठीक है, बेस मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पर देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है, 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमें गिवन है, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं गिवन, मतलब जो पहले ही दिया गया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है, 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या था, बेस मल्टीप्लाई में हाइट, तो इक्वल टू 1225 सेंट, ये वाला आ गया, ठीक है। बेस कितना है, बेस है हमारे पास 35, मल्टीप्लाई में हाइट नहीं है तो हाइट को एज इट इज रख लेंगे एच के साथ, ठीक है, 1225 को एज इट इज, ठीक है, यहाँ पर हाइट एज इट इज इट है, यहाँ पर हाइट भी लिख सकते हो, यहाँ पर डीएन भी लिख सकते हो, ठीक है, डीएन, ठीक है, तो डीएन लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा, डीएन हमें पता करनी है, तो यहाँ भी हम डीएन ही मेंशन कर देंगे, डीएन इक्वल टू 1225, ये 35 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो अभी हम देखो दोनों ही क्या है, 5 के टेबल में आ सकते हैं क्योंकि दोनों के लास्ट डिजिट 5 है, तो ये तो पता है हमें 7 5 35 होता है, तो 1225 को हम 1225 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 2 10, 25 4 20, ठीक है, 25 यहाँ पर आएगा, 5 5 25, तो ये वाला 245, यहाँ पर 7 5 5 को अगर 7 7 से मल्टीप्लाई 35, 7 5 5 7 35, यहाँ पर ये वाला 245 पे कैंसिल हो गया, तो डी एन इक्वल टू 245/7, तो 245 को अगर हम 7 से करते हैं, 245 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 7 3 21, यहाँ पर 3 7 5 35, तो 35 पे कैंसिल हो जाएगा जी, ठीक है, तो डी एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 35 सेंटीमीटर, तो डी एन हमारे पास है, यहाँ पर ए बी भी 35 है, डी एन भी हमारे पास 35 ही है, ये वाला है एक हमारा आंसर। नेक्स्ट अभी हमने पता करना है डी एम, तो इसमें भी क्या फॉर्मूला है, यहाँ पर हमें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था, 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें भी हम करेंगे बेस मल्टीप्लाई में हाइट 1225, ठीक है, तो बेस कितना था, यहाँ पर बेस है हमारे पास बी सी, मल्टीप्लाई में हाइट कितनी है डी एम, तो डी एम 1225, बी सी हमारे पास है 25, डी एम हमारे पास कितना है हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको डी एम ही मेंशन करेंगे, यहाँ पर 1225, अभी हमें डी एम पता करना है, तो इसको ऐसे रखेंगे, 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ हम लिखेंगे 1225 को 25 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे देखो 5 के टेबल में 25 होता है, 5 5 25, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिवाइड किया था, तो 245 यहाँ पर काट करके हो जाएगा 245, तो हमारे पास अगर 245/5, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, यहीं पर कर देते हैं, ठीक है, मैं 245 को 5 पे, तो 5 4 20, यहाँ पर 45 आ गया, 5 9 45, तो 49 पर, 5 1 5, 5 49 2 20, 45, तो 49 सेंटीमीटर यहाँ पर स्क्वेयर। हाँ हाँ अब हमारे पास दो जो हमने वैल्यू निकालनी थी वो आंसर है हमारे पास, लास्ट में आप ऐसे मेंशन कर देना डी एन इक्वल टू 35 सेंटीमीटर और डी एम इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है, तो दोनों का आंसर एक साथ आ जाएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो भी खत्म होती है, उम्मीद करती हूँ आपको सब अच्छे से समझ आए होंगे और वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू।